अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार नमकीन मटन कढ़ाई है। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि चीज़ें हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मटन मैंने इधर लिया है 1 किलो, ठीक है जी। और साथ ही मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, चॉप कर लिया था। 1 प्याली दही है, 2 से 3 खाने के चम्मच कुटा हुआ लहसुन अदरक है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, 1/2 चाय के चम्मच नमक है, 1/2 चाय के चम्मच सफ़ेद मिर्च है और थोड़ी सी काली मिर्च ली है मैंने। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम बनाना इसको। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है ऑयल मैंने लिया है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था लहसुन अदरक, इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद साथ ही हमने इसमें मटन ऐड कर देना है। और याद रखें, आप जब भी आपने कोई नमकीन मटन या बीफ या कुछ भी इस तरह का बनाना है, मसाले वाला भी बनाना है, तो आप कोशिश किया करें कि जो मटन है हमारे पास या बीफ है उसको पहले थोड़ा सा लहसुन अदरक के अंदर भून लें, उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में या वैसे ही आपने अगर रखना है तो इसको गलाने के लिए रख दिया करें, ठीक है जी। इससे ये होता है कि स्मेल ख़त्म हो जाती है, एक तो मटन की है या बीफ की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हमने जो इसी तरह मटन डाल देना है, इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। ये देखें जैसे कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, साथ ही हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं, टमाटर ऐड कर देने हैं, दही ऐड कर देना है और जो मसाले थे नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है जी। और साथ ही हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करके थोड़ा सा हम भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद भून लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें पानी डालना है 1 से 1.5 गिलास, ठीक है। ये जो चिकन कह रही हूँ, सॉरी, मटन था हमारे पास, ये 1 किलो था, तो हमने इसमें 1 गिलास पानी के जिसमें ये सिर्फ गल जाए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने। 15 से 20 मिनट का टाइम होगा इसका, 15 से 20 मिनट बहुत होते हैं मटन या बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर गलाने के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया था मटन को कढ़ाई के अंदर, थोड़ा सा पानी था उसको ड्राई कर लिया है, साथ ही साथ हमने इसको भून लेना है। ऑयल देखें बिल्कुल अलहदा हो चुका है, नमकीन मटन कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लास्ट पे हमने करना क्या है, इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है, इससे जो मटन है उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आपके पास अगर अदरक है बारीक कटी हुई तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, हरी मिर्च भी ऐड करें, हरा धनिया ऐड करें थोड़ा सा, तो हमारी ये नमकीन मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अगर आप लोगों को रेसिपी मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।